नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज की जिला स्तरीय बैठक रविवार को समाज भवन में पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णराव निनानवे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पूर्व प्रबंध जिला कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से राम कुमार निनावे को जिलाध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि जिलाध्यक्ष पद के लिए दो नामों पर विचार हुआ, इनमें पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णराव निनानवे और राम कुमार निनानवे दो नाम आए। सर्वसम्मति बनाने के मकसद से पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णराव निनानवे ने राम कुमार निनानवे के नाम पर सहमति दी। इसके बाद उपाध्यक्ष के लिए ऋषि सोनी, छत्रपति सोनी, राजेश्याम सोनी, अशोक सोनी, देवराव सोनी, सुरेंद्र सोनी, दयाराम सोनी, सचिव भास्कर राव सोनी, सह सचिव महेश सोनी, कोषाध्यक्ष श्याम राव पोरगड़े, संगठन मंत्री जगदीश सोनी, अयोध्या सोनी, रामता सोनी, प्रचार मंत्री रामू सोनी, नंदकिशोर सोनी, राकेश सोनी, मीडिया प्रभारी गया प्रसाद सोनी, सह मीडिया प्रभारी प्रमोद खरबड़े, कार्यकारी सदस्य राम कुमार सोनी, नेत्राम सोनी, बबन राव सोनी, गोविंद सोनी, संरक्षक दिनकर राव येरपुड़े, जिला संयोजक कृष्ण राव निनानवे के नाम पर मुहर लगा दी। बता दें कि स्वर्णकार संघी वरिष्ठ ब्लॉक प्रधान ज्ञानचंद वर्मा के निधन के बाद ये पद रिक्त हो गया था। बैठक के बाद नव नियुक्त जिलाध्यक्ष राम कुमार निनानवे ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उमरा नाला, सोनसर, चुरई, सिंगुड़ी, भैंसादंड, बिछुआ, मेघदौन, उमरा नाला समेत अन्य जगहों के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये चार पद है, इस प्रकार ये 21 सदस्यीय प्रबंध कार्यकारिणी उनका एक पद है, उनका भी आप सभी को यहाँ पे पुनर्गठन करना है। सह सचिव का एक पद है, कोषाध्यक्ष का एक पद है। जिला महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज की वार्षिक आम सभा आमंत्रित की गई थी, जिसमें पूरे जिले से हमारे सामाजिक बंधु यहाँ पधारे और आज की सभा में आगामी 3 वर्षों के लिए जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मुझे, मैं राम कुमार निनावे, पिता श्री शंभु प्रसाद निनावे को अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अभी भी जिला उपाध्यक्ष पद में काम कर रहा था और आगे समाज में और अच्छे से काम कर सकूँ इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं जो अधूरा भवन है इसको पूर्ण करने के लिए और समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति तक हम समाज की सेवा सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं सभी से उम्मीद करूंगा। जितने 21 सदस्यीय पदाधिकारी चुने गए हैं वो सभी लोग मिलजुल करके समाज के लोगों के साथ मिल करके अच्छा काम करेंगे, समाज का नाम आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमारे सामाजिक बंधुओं को तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.